नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल और आप मुझे देख रहे हैं अष्टोतक में। हमारा विषय है कि विसर्जन कैसे करें, किन नियमों का पालन करें जिससे कि गणेश जी आप पे प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि विसर्जन एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। पता है जहां जहां गणेश उत्सव मनाया जा रहा है 10 दिन का, विसर्जन जो एक दिन के गणपति बैठाते हैं, गणेश जी को बिठाते हैं, पूजा करते हैं, वो भी विसर्जित करते हैं। जो 3 दिन की, 2.5 दिन की बिठाते हैं, वो भी विसर्जन करते हैं। जो 5 दिन की गणेश जी बिठाते हैं, वो भी विसर्जन करते हैं। और जो 10 दिन की गणेश जी 10 दिन पूजा करते हैं, वो भी गणेश जी को विसर्जित करते हैं। ये प्रकृति का नियम है, जो आया है एक दिन जाएगा। और जाते हुए हम क्या कहते हैं, अब की बार आए हो अगले बरस जल्दी आना, जाते हो तो जाओ अगले बरस जल्दी आना। और उस समय हमारे आंखों में आंसू होते हैं, गणपति जी जा रहे हैं, लेकिन खुशियों के साथ हम उन्हें विदाई देने जाते हैं, विसर्जन करने जाते हैं। उनकी विदाई होती है, कोई एक दिन में विदाई करता है, कोई 2.5 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 10 दिन में विदाई करता है गणेश जी की। तो क्या क्या चीज करना चाहिए? पहली बात है, गणेश जी को अच्छे से भोग लगाएं। जब जिस दिन विदाई करना हो उस दिन नाश्ता खाना सब कुछ खिलाएं, मिठाई लड्डू केसर नारियल सब खिलाएं, भोग अच्छे से लगाएं। आपको क्या करना है, गणेश जी को पूरे अच्छे से सजा करके ले जाना है। आप खुद काले वस्त्र ना पहने, पीले वस्त्र पहने, लाल पहने, गणेश जी को गुलाल अबीर लगा करके खुद गुलाल अबीर खेलें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। बहुत से लोग जाते हैं विसर्जन करने, भसान करने, तो बस नशा कर लेते हैं, नाचते हुए जाते हैं। नहीं, ये बहुत गलत है। आज की पीढ़ी को ये समझाना है कि आपको नशा बिल्कुल नहीं करना है। आपने देखा होगा दुर्घटना घट जाती है, विसर्जन करने जाते हैं पानी में दिक्कत आ जाती है, घटना दुर्घटना घट जाती है, क्योंकि आप मस्ती में हैं। बहुत से लोग नशे के शिकार होकर के जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है, घटना घट जाती है, नहीं करना है। और गणेश जी को विदाई करते समय, चूंकि वो बुद्धि विनायक हैं, इसलिए खजूर का भोग लगाइए। खजूर बुद्धि को बढ़ाता है। ढोल नगाड़े से बाजा बजाते हुए विदाई करके जाइए, खूब रोशनी होनी चाहिए, गणपति जी के भजन करते हुए नाचते हुए जाइए विसर्जन करने के लिए। ये विसर्जन के नियम है। और महिलाएं खासकर विसर्जन से पहले एक दूसरे की, सुहागी स्त्रियां सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे के ऊपर सिंदूर मांग भरती हैं, वो करना चाहिए। महिलाएं एक दूसरे की सिंदूर लगाकर सुहाग की रक्षा की कामना करें, उनके पति दीर्घायु होंगे, उनके पति की आमदनी बढ़ेगी, नौकरी व्यापार अच्छा होगा, परिवार में विघ्न बाधाएं दूर होंगी। अगर बच्चे की पढ़ाई आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चा पढ़ता नहीं है, तो विदाई के समय, विसर्जन के समय गणेश जी को शहद का भोग लगा के विदाई करें। अगर आपका कारोबार अच्छा चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं, गणेश जी को बेसन की बर्फी का भोग लगाइए, गुरु बलवान होगा। केसर का भोग लगाइए, गुरु बलवान होगा। और गणेश जी को जब विसर्जन करते हैं, उल्टी मूर्ति गणेश जी को विसर्जित ना करें, जैसे सिर नीचे कर दिया, पैर ऊपर करके ऐसे ऐसे डुबाते हैं, वो ना करें, सीधे करें, ऐसे करके करें तो अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत से लोग क्या करते हैं, गणेश जी की पूजा करके, अब कहीं पे जहाँ पे
सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की जहाँ पे कोई तालाब के व्यवस्था ना करी, भाई नदी में बिल्कुल ना करें, नदी में करने से प्रदूषण फैलेगा। अगर मिट्टी के गणेश जी हैं तो नदी में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्थान बनाया हुआ है, कोई तालाब बनाया हुआ है विसर्जन का, तो वहीं पे जाके करें। और पूजा सामग्री में जो प्लास्टिक का सामान है, धूप बत्ती है, सड़े हुए फूल हैं, सड़ी हुई मिठाई है, या हवन किया है, हवन की राख है, ये सब विसर्जन में गणेश जी के साथ विसर्जित ना करें। उससे आपको पाप लगेगा, गणेश जी को नाराज होंगे और प्रदूषण भी फैलेगा। उनको अलग कहीं पे आप विसर्जित करें। और पीपल के पेड़ पर भी आप मिट्टी के गणेश जी रख करके विसर्जित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लास्टिक कचरा वगैरह पूजा में जो भी होता है वो सब अलग फेंकें कचरे में। विसर्जन के ये नियमों का आप पालन करें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, गणेश जी प्रसन्न होंगे। और इसका ख्याल रखना है आपको। मुझे इजाजत दें, नमस्कार, राम राम।